हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, मैं एथलेटिक्स के थ्रोइंग इवेंट, जिसके अंतर्गत चार इवेंट आते हैं, शॉट पुट, हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो, जिसमें से शॉट पुट, डिस्कस थ्रो एंड हैमर थ्रो के बारे में बता चुकी हूँ। आज मैं जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक के बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ। एमसीक्यूज के माध्यम से वे सभी क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, और फालतू की कोई चीजें नहीं होंगी। एंड दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पर सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। एंड दोस्तों, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज क्वेश्चन के 100 से ज्यादा आज वीडियोज भी बनाए गए हैं, एंड चैप्टर वाइज सभी चैप्टर के एमसीक्यूज क्वेश्चन भी आपको दिए गए हैं, तो सभी टॉपिक आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, मेरे चैनल पे जुड़ जाइए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो से रिलेटेड वे सभी क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन है कि जेवलिन के सेक्टर का कोण कितने डिग्री का होता है। तो जेवलिन के सेक्टर का कोण 29 डिग्री होता है, जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा है, फेंकने के सेक्टर का कोण। जैसा कि दोस्तों, जेवलिन के अलावा आपके शॉट पुट, डिस्कस थ्रो एंड हैमर थ्रो, इन तीनों के फेंकने का सेक्टर का कोण 34.92 अंश यानी 34.92 अंश होता है, एंड भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो का फेंकने के सेक्टर का कोण 29 अंश होता है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, रनवे की लंबाई कितनी होती है। तो दोस्तों, जेवलिन के रनवे की लंबाई होती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, 30 से 36.5 मीटर। एंड इसके अलावा हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो एंड शॉट पुट, इसके फेंकने का आपका रनवे जो होती है वो 40 से 45 मीटर होता है। नेक्स्ट दोस्तों, जेवलिन के रनवे पर एक थ्रोअर ज्यादा से ज्यादा कितने चिन्ह लगा सकता है। तो वह ज्यादा से ज्यादा 2 चिन्ह लगा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, जेवलिन की स्टॉप लाइन यानी कि आर्च लाइन तथा रिटर्निंग लाइन कितनी मोटी होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लाइन आपका स्टॉप लाइन होता है, और इसकी जो मोटाई होती है वो 7 सेंटीमीटर होती है, और सभी भागों की 5 सेंटीमीटर, इसी की मोटाई आपको 7 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट, जेवलिन के सेक्टर में रिटर्निंग लाइन की लंबाई कितनी होती है। तो जैसा कि देख रहे हैं आप, ये दोनों रिटर्निंग लाइन है, इसकी लंबाई जो होती है 75 सेंटीमीटर होती है। जैसा कि शॉट पुट, हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो, इन चारों में रिटर्निंग लाइन की लंबाई 75 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट दोस्तों, जेवलिन का सीजी पॉइंट कहाँ होता है। तो जहां पे हम उसको ग्रिप करते हैं, ग्रिप पर होता है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट। नेक्स्ट दोस्तों, तकनीकी रूप से जेवलिन को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट है, जेवलिन को तकनीकी रूप से कौन से 3 भागों में बांटा गया है। तो इसको हेड, चॉप, कॉर्ड ग्रिप, इन 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट दोस्तों, पुरुषों के लिए भाले का भार कितना होता है। तो 800 होता है, महिलाओं के लिए 600 ग्राम। नेक्स्ट दोस्तों, पुरुषों के लिए भाले की लंबाई कितनी होती है। तो यह वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यह 260 से 270 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 2.60 से 2.70 मीटर। नेक्स्ट है, महिलाओं के लिए भाले की लंबाई कितनी होती है। तो महिलाओं के लिए भाले की लंबाई 220 से 230 सेंटीमीटर, यानी कि 2.20 से 2.30 मीटर आपका होता है। नेक्स्ट दोस्तों, ग्रिप का व्यास ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है। तो जहां पे हम ग्रिप करते हैं, उसका व्यास जो है ज्यादा से ज्यादा 8 mm हो सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, पुरुषों के लिए ग्रिप की लंबाई कितनी होती है। जो हम ग्रिप करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो इसकी लंबाई आपका पुरुषों के लिए 15 से 16 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट है, महिलाओं के लिए ग्रिप की लंबाई कितनी होगी। तो महिलाओं के लिए 14 से 15 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट है, पुरुषों के लिए धातु सहित नोक की लंबाई कितनी होती है। तो 25 से 33 सेंटीमीटर। यह पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए धातु की नोक की लंबाई इतना ही होता है। नेक्स्ट है, जेवलिन में अगर टाई पड़ जाए तो निर्णय किस आधार पर लिया जाएगा। तो दोस्तों, जेवलिन में अगर टाई पड़ जाए तो निर्णय नेक्स्ट बेस्ट परफॉर्मेंस
के आधार पर लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक बार फिर कराया जाएगा। ठीक है, उसमें जो बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा उसको विजेता घोषित किया जाएगा। नेक्स्ट है महिलाओं के लिए भाले का भार कितना होता है, तो 800 ग्राम होता है। तो दोस्तों इस प्रकार आपने देखा कि जेवलिन से रिलेटेड ये क्वेश्चन थे, और इन्हीं क्वेश्चनों में से हर बार क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा इसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं इन्हीं क्वेश्चनों को बस रखी हूँ। तो आई होप कि दोस्तों सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए। एंड नेक्स्ट वीडियो आपका होगा जंपिंग इवेंट के से रिलेटेड, जिसमें से हाई जंप, लॉन्ग जंप, बासकूद एंड ट्रिपल जंप आदि से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।